इमरान खान हाजिर हूँ। एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी को धमकाने पर इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाती हैसियत में 31 अगस्त को बुला लिया। चेयरमैन पीटीआई की मुकम्मल तकरीर का रिकॉर्ड तलब। ये सिर्फ मातहत अदलिया की एक जज नहीं पूरी जुडिशरी का मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। क्या आम आदमी अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे? इदारे काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर की आनी के रिमार्क्स। लार्जर बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। अदलिया को देखना होगा क्या इमरान खान कानून से बालातर है। इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध के सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, एक शख्स का इक्तदार का नशा उसे पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज फौज पर तनकीद करता है, खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां देता है, फिर कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद थाना अपारा में एक और मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। पीटीआई की मरकजी कयादत के 17 रहनुमाओं को नामजद किया गया। मुराद सईद, फवाद चौधरी और फैसल जावेद नामजद। शेख रशीद, असद उमर, राजा खुरम नवाज और अली नवाज अवान भी शामिल। बगावत के मुलजिम शहबाज गिल के खिलाफ गैर कानूनी असलहे का मुकदमा भी दर्ज। शहबाज गिल पार्लियामेंट लॉज से बरामद पिस्तौल का लाइसेंस नहीं दे सके। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल मुलाजिम पेश कर सके न 9mm का लाइसेंस ला सके। फवाद चौधरी सूबाई हुकूमतों को विफाक के खिलाफ उकसाने लगे। कहा, इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर की हुकूमत वाले बदमाश बने हैं। सूबाई हुकूमतों ने मुश्किल वक्त में कारकुनों को मायूस किया। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश समेत गिल पर तशद्दुद पर खामोश रहे। लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की हिदायत पर केपी हुकूमत इन एक्शन। पीडीएम की आदत पर नफरत अंगेज बयानात के मुकदमात बनाने का फैसला। पर्चे शहबाज गिल के जवाब में बनाए जाएंगे। पीडीएम के खिलाफ एक दरख्वास्त पेशावर के थाना शर्की में दायर। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुकदमात क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के सेक्शन 196 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह 3 करोड़ में से 1 करोड़ 70 नहीं बल्कि 71 लाख, 1 करोड़ 71 लाख सार्फीन को इंशाल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं। उनको कतन एक ढेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। मैं और मेरी हुकूमत के तमाम साथी और तमाम जोमा हम इंशाल्लाह दिन रात एक करेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। दिन रात मेहनत करनी होगी, खून पसीना बहाना होगा। इंशाल्लाह मेरा ये दिल गवाही देता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दिन फेर देगा और अच्छे वक्त आएंगे। वज़ीर आज़म का बिजली सार्फीन के लिए रिलीफ। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए। 1 करोड़ 71 लाख सार्फीन को इजाफी चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। 3 लाख ट्यूबवेल सार्फीन भी इजाफी टैक्स से बच गए। शहबाज शरीफ की कतर में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत की कोशिशों से दिवालिया होने का खतरा टल गया। महंगाई के जिनको बोतल में बंद करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। सानहे लसबेला के बाद पाक फौज के शहदा के खिलाफ शर्मनाक मुहिम। तहकीकाती इदारे मुहिम के सरगना तक पहुंच गए। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक पीटीआई से निकला। सबसे ज्यादा मुहिम इन्हीं अकाउंट्स के जरिए चलाई गई। गंद डालने वालों में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया कि शहदा और फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं। भारतीय स्ट्रैटेजिक मिसाइल प्रोग्राम के मेयार की कलई खुल गई। भारतीय हुकूमत ने बरहमूस मिसाइल फायर होने पर नाहली तस्लीम कर ली। बरहमूस मिसाइल के हादसाती फायर की तहकीकात मुकम्मल। 3 अफसरान जिम्मेदार करार। तीनों को बरतरफ कर दिया गया। 9 मार्च को बरहमूस मिसाइल पाकिस्तान में आ गिरा था।